everyone. Hello to my all YouTube family. Welcome to my YouTube channel, Sana Fakhr Official. कैसे हैं आप लोग? I'm sure आप enjoy कर रहे होंगे मेरी video और workouts और आपकी अच्छी-अच्छी feedbacks का. Thank you so much. आज की video जो है, वो बड़ी important है उन लोगों के लिए जो अपना journey शुरू करना चाहते हैं. सबसे पहला सवाल आपके mind में आता है जब आप exercise शुरू करने लगते हैं या आप beginner होते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगी कि नहीं, या ये वाली एक्सरसाइज मेरी बॉडी सपोर्ट करेगी कि नहीं. उसके लिए दो ऐसे प्रैक्टिस हैं जो कि अगर आप करते हैं एंड देन यू कैन मॉनिटर योर बॉडी बैलेंस. आज के वीडियो भी हैं हाउ टू मॉनिटर योर बॉडी बैलेंस. वैसे तो बॉडी बैलेंस जानने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपने सारे तरीके नहीं इस्तेमाल करने. जैसे कि मैं तो कभी कभी अपना बॉडी बैलेंस ऐसे चेक करती हूँ और फिर मैं ऐसे बातें करती हूँ, क्योंकि माइंड जब ज्यादा काम ना कर रहा हो तो फिर इस तरह वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए. लेकिन ये आप नहीं करेंगे, बिकॉज ये बस मैं यू नो दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिक. ये तो मैं वैसे फ्लेक्सिबल करने के लिए करती रहती हूँ. दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक यू नो कीप योर बॉडी बैलेंस. लेकिन सही तरीका मैं आपको बताती हूँ. आप अपनी बॉडी बैलेंस कैसे जांच सकते हैं, तो इसकी दो सिंपल सी ट्रायल हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि वाकई आपकी बॉडी इज लाइक एबल टू वर्कआउट और स्ट्रांग इनफ टू स्टार्ट योर वर्कआउट. तो वो प्रैक्टिस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. दो सिंपल सी एक्सरसाइज है जिससे आपको पता चलेगा. सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ वो तमाम लोग जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की और अगर ये वो मॉनिटर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी बॉडी का बैलेंस अच्छा है या उनको ज़रूरत है टू मेक योर बॉडी स्ट्रांग, वो करें. लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उनको इंजरी भी हो सकती है. सो यू नो आई विल एक्सप्लेन यू कि आप उसको कैसे शुरू करेंगे और क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए टू मॉनिटर योर बॉडी बैलेंस. तो आपने करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको बताती हूँ. आपने अपना बॉडी बैलेंस स्ट्रेट यूँ खड़े होना है. आपका जो सरफेस है वो बिल्कुल बैलेंस एंड स्ट्रेट एंड हार्ड होना चाहिए. आप मैट्रिस या फोम पे मत कीजिएगा, बिकॉज उससे आपका जो पैर है वो मुड़ सकता है या आपको कोई इंजरी हो सकती है. उसके बाद आपने ये करना है, ऐसे आपने हैंड्स रखने हैं, एक फुट आगे रखना है और एक फुट पीछे रखना है. आई गेस मुझे यह होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे रखना है. आपका बॉडी वेट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत पीछे हो ना बहुत आगे हो, ठीक है. फिर अपने आपने हैंड्स यहां रखने हैं, ये किया. और फिर अब आपने अपने आप को टो के ऊपर ऐसे खड़ा करना है और आपने टाइमर लगाना है फॉर 30 सेकेंड, क्योंकि 30 सेकंड अगर आप ऐसे खड़े रहे तो ये हमारा पहला ट्रायल होगा, पहली एक्सरसाइज प्रैक्टिस है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी का बैलेंस ठीक है. थर्टी सेकंड हो गए, एक ट्रायल से तो आप गुजर गए, पास हो गए. अब एक दूसरा है वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, लेकिन दैट वर्थ इट. इससे और भी ज़्यादा अब आपको पता चल गया कि आपकी बॉडी का बैलेंस ठीक है और आप वर्कआउट कर सकते हैं. लेकिन इससे ज़्यादा आपको जब जानना होगा कि यू नो मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग इनफ और मैं इसको और ज़्यादा डिफरेंटली यू नो एक्सरसाइज ट्राई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो एक और एक्सरसाइज है. अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको मैं बोलूँगी कि आपके पास अगर चेयर हो तो वो ज़रूर साथ रख लें. वो लोग जो पहली बार इसको इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, आपने यूँ करना है, वही आपका सरफेस स्ट्रेट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए एंड बैलेंस होना चाहिए. आपके जो फीट हैं वो आपके शोल्डर के अकॉर्डिंगली वाइड होने चाहिए. ज़्यादा वाइड ना कीजिएगा, ठीक है, तो बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी. अब आपने ये करना है, आपने हैंड्स ये रखने हैं. जैसे हर चीज़ के एक आदाब होते हैं ना, कहते हैं खाने के आदाब, जाने के आदाब, तो इसी तरह वर्कआउट के कुछ आदाब होते हैं. आपके खड़े होने का आदाब, तो एक मैनर्स होते हैं, तो उस मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उससे ही आप ही का फायदा होता है. तो आप ऐसे जब खड़े होंगे ऐसे, और उसके बाद आपने एक फुट रखना है यहाँ, यहाँ नहीं रखना, ठीक है, यहाँ पे
राइट। 30 सेकंड आपने अपने आप को होल्ड करना है। आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल क्या है, ये तो बहुत इजी है। अभी देखें आगे आगे देखें होता है क्या। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बट इट्स लाइक नो वर्थ डूइंग इट बिकॉज देन ओनली यू कैन फिगर इट आउट कि मेरी बॉडी जो है वो इट्स एबल टू वर्क आउट और नॉट। आई एम श्योर 30 सेकंड हो गए होंगे। या 5 4 3 2 1 ओके। इसके बाद आपने ये करना है, ये हैंड यहाँ रखना है। अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारी प्रैक्टिस। यहाँ रखना है और आपने टो पे अपने आप को लिफ्ट करना है। दिस इज लिटिल अ बिट डिफिकल्ट बट इफ आई टॉक आई कांट स्टैंड बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट। मैं खुद ही फेल हो गई। नो नो आई एम जस्ट किडिंग। बस आपने ये करना है कि आपको ये पता हो कि आप टो पे खड़े हो सकते हैं। इसके लिए 30 सेकंड करना ज़रूरी नहीं है बट अगैन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अपने टो पे स्टैंड करते हैं कि नहीं। अगर आप हिल गए मेरी तरह तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद 5 5 सेकंड के लिए टो पे स्टैंड करना है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो चेयर साथ रख लें ताकि आप कोलैप्स ना करें, फॉल ना करें। वेल एनीवेज आई एम श्योर कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी बिकॉज ये एक आइडिया था बिकॉज मुझसे ये किसी ने प्रैक्टिस करवाई थी। मैं एक्सरसाइज करती थी और काफ़ी सारे इश्यूज होते थे मुझे। मैं कहती थी नहीं मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है। फिर मैं उनको एक्सक्यूजेस देती थी। आपने आई एम श्योर ये एक्सक्यूजेस आपने कभी इस्तेमाल की होंगी। वो क्या है कि ना मेरी राइट लेग जो है वो थोड़ी सी वीक है लेफ्ट लेग से और मेरी लेफ्ट लेग जो है वो वीक है राइट से, तो इसलिए मैं नहीं कर सकती। ये एक्सक्यूजेस हर बंदा यूज़ करता है एंड आई डोंट नो व्हाई। मैंने भी की थी वैसे बाय द वे। तो मुझे एक ट्रेनर ने ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल, मैंने उनके साथ बहुत सारी ट्रेनिंग भी की है। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनके साथ मैं एक्सरसाइज करती हूँ और उनसे सीखती हूँ। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो गॉड गिफ्टेड। ऑब्वियसली आई वर्कड ओवर एंड ओवर, आई मीन आई डिड प्रैक्टिस अ लॉट टू लर्न एंड यू नो ये सारी जो अवेयरनेस है इसको गैदर करने के लिए। इसी तरह जो भी एक्सपर्ट्स मैं वेन एवर आई कम अक्रॉस विद द डॉक्टर्स, फिटनेस एंड डाइट्रिशियन एंड ट्रेनर, तो मेरे बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई कीप इवन आस्किंग, आपका भी कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम देयर टू इनकरेज यू, टू हेल्प यू, टू लव यू एंड इन रिटर्न ऑफ कोर्स यू गाइज आर आई मीन टेक आउट लॉट ऑफ टाइम एंड टू वॉच। और आपके जो कॉमेंट्स होते हैं दैट इज़ माई एनर्जी। आप लोग की जो फीडबैक होती है उसी पे ही मैं आई कीप डूइंग दिस एफर्ट। अदरवाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग एज यू नो मेरा स्केड्यूल इतना टाइट होता है एंड आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ टू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बेबीज, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं अपार्ट फ्रॉम माई जॉब जो मैं एक्टिंग करती हूँ। आप सब मुझे एज एन एक्टर जानते हैं बट वाई आई स्टार्टेड ऑफ एज अ ट्रेनर, आई मीन एज अ कोच, टू हेल्प यू, टू देयर फॉर यू। इन रिटर्न आई कैन गिव यू दिस, आई मीन आई रियली वॉन्ट टू हेल्प दोज पीपल who are suffering with body shaming, with a lot of mental issue. In fact, I will make some other time a small video for those people. Or in fact, I have some my own experience when I was going through with my journey or right after my post delivery, maine bahut sare depression jo hai wo you know I've gone through as well. I think every single person I've been through, क्योंकि ये it's a natural emotional like any other. जैसे आप गुस्सा होते हैं, जैसे आप हंसते हैं, इसी तरह to get depressed is a emotion or it's a natural. Well, thank you so much for your time. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी कुछ मशवरे दे दीजिएगा for like you know further आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, because I am there for you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, keep following my channel and keep spreading love, peace, harmony, and second of all, don't forget to subscribe my channel Sana Fakhar Official and don't forget to click the bell icon so you can be updated, right? So take care and bye bye, lots of love.